हेलो दोस्तों, एमआरसी टेक्नीशियन में फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका दोस्त सज्जन आलम। आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हम जानेंगे कि चिलर में सर्ज क्या होता है, ये सर्ज क्यों होता है। खास करके आपसे इंटरव्यू में भी कभी ज्यादातर पूछा जाता है कि सर्जिंग क्या है, ठीक है, इससे क्या नुकसान है और ये होता क्यों है। तो जैसा कि हम क्वेश्चन भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, व्हाट इज सर्ज, ठीक है, तो ये खास करके हमारा जो है ये सेंट्रीफ्यूगल चिलर में होता है। जैसे यहाँ कंप्रेसर हमारा है, कंडेंसर है, एक्सपेंशन डिवाइस है और ये हमारा इवेपोरेटर है, ठीक है। ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल चीलर है, ठीक है ना, ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल चीलर है, ये हमारा वाटर कूल्ड कंडेंसर है, तो यहाँ पे आप कूलिंग टॉवर भी देख रहे हैं और इवेपोरेटर। तो हम आपको बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करेंगे, जो आप सबसे आपको जो भी डाउट्स होगा वो क्लियर हो जाएगा और कभी भी आपसे अगर सर्ज से रिलेटेड आपसे कुछ पूछा जाएगा तो आप उसको आंसर दे सकते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, तो आपको एक एक करके हम डिफाइन करेंगे, बताएंगे। ज्यादा कोई ये डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, लेकिन आपको इसको मालूम होना भी बहुत जरूरी है। हर सर के जो सेंट्रीफ्यूगल चिलर में जो काम कर रहे हैं या काम करने को सोच रहे हैं, तो उनको इस तरह से देखने को मिलता है। यहाँ पे देखिए, रेफ्रिजरेंट जो हमारा कौन सा है, R134 है, हमारा वाटर कूल्ड चिलर में यूज हो रहा है, जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल चिलर है। बैक प्रेशर इसका स्टैंडर्ड कितना होता है, 30 से 45 psi के बीच में रहता है। डिस्चार्ज प्रेशर 110 से 145 psi के बीच में रहता है, ठीक है। तो अभी क्या होता है, सर्जिंग कब होता है, सर्ज एक्चुअल में उसके पहले आपको जानना होगा लिफ्टिंग प्रेशर क्या है, ठीक है ना। लिफ्टिंग प्रेशर जो है, डिफरेंस बिटवीन कंडेंसर प्रेशर एंड इवेपोरेटर प्रेशर, इट्स कॉल्ड लिफ्टिंग प्रेशर, ठीक है। तो अभी मान लीजिए हमारा डिस्चार्ज प्रेशर, एक यहाँ पर एक उदाहरण के लिए हम एक PSI ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए डिस्चार्ज प्रेशर हमारा 115 PSI है, यह डिस्चार्ज प्रेशर हो गया, ठीक है। ये ज्यादातर यूनिट क्या कहते हैं आपको, KPa में और PSI में आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा, ठीक है, बार में बहुत कम ही मिलता है। और सक्शन प्रेशर जो है हम 35 PSI लेते हैं, ये दोनों का आप डिफरेंस क्या कहते हैं, कितना हो गया, ठीक है ना। तो ये जो दोनों का बीच का जो डिफरेंस निकलेगा वो हमारा हो जाएगा लिफ्टिंग प्रेशर। तो 80 PSI हो गया ये हमारा लिफ्टिंग प्रेशर, ओके ना। तो ये हमारा 80 PSI लिफ्टिंग प्रेशर हो गया। तो ये प्रेशर जब ज्यादा बढ़ जाता है तो हमारा क्या होता है, सर्ज होने लगता है। अगर ये 800 किलो पास्कल KPa जो है हमारा डिस्चार्ज प्रेशर है और ये 300 KPa सक्शन प्रेशर है, ये एक हमने वैल्यू ले लिया है। ऐसा नहीं है कि अब जब ऑपरेटिंग आप जाएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, मतलब जब रनिंग कंडीशन में सिस्टम के पास जाएंगे तो ऑपरेटिंग प्रेशर आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू भी मिलेगा, क्यों, उस टाइम का प्रेशर अलग अलग ये मिलता है। तो 800 एंड 300 में से अगर आप इसको माइनस डिफरेंस देखेंगे तो कितना का है, 500 किलो पास्कल का, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है ये लिफ्टिंग प्रेशर हो गया, KPa लिफ्टिंग प्रेशर, ठीक है। तो अभी मान लीजिए क्या कहते हैं, ये जो हमारा 145 PSI जो है, ये हमारा समझिए तो वह R134A का सबसे लास्ट है, 145 PSI सबसे लास्ट है सिस्टम में, इतना से पहले ही जो है 140 के आसपास PSI रहेगा। जैसे कि अगर मान लीजिए 900 KPa के आसपास जब आएगा आपका ना, तो 900 KPa आने के बाद जैसे ही प्रेशर और अप की ओर जाएगा, क्यों, इसका मान लीजिए 1000 KPa बराबर हो जाएगा 145 PSI। आप लोग कन्वर्ट कर लेंगे, आप एक आप ये आता है एप्लीकेशन आता है अपना ऑल इन वन कैलकुलेटर करके, उसमें KPa से मेगा पास्कल से बार से PSI से सब कन्वर्टर उसमें रहता है, तो आप उसको ये कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो 1000 किलो पास्कल इसका जो है ये लास्ट डिस्चार्ज प्रेशर है, ठीक है ना, डिस्चार्ज प्रेशर इसका लास्ट है 1000 किलो पास्कल। तो जैसे ही 900 के बाद जो क्या कहते हैं इसका प्रेशर बढ़ने लगता है ना, तो उस बीच में जो है सर्ज होने लगता है।
दूसरी हॉट गैस बाईपास भी जो है हमारा ऑन हो जाता है, हॉट गैस बाईपास वाल्व। उस सिचुएशन में हमारा जो है ना हॉट गैस बाईपास वाल्व भी हमारा जो है स्टार्ट हो जाता है मेंटेन करने के लिए। तो जैसे ही आपका 900 किलो पास्कल जब ऊपर जाएगा तो हमारा जो है ये सर्ज होने लगता है सिस्टम। सर्जिंग में क्या होता है कि रेफ्रिजरेंट, मान लीजिए कंप्रेसर का क्या काम है कि ये वन साइड फ्लो करता है, इधर कंप्रेसर से जब हमारा जो प्रेशर कंप्रेसिंग डिवाइस के जरिए, इसका कंप्रेसिंग डिवाइस आपका इंपेलर होता है, तो कंप्रेसिंग डिवाइस के जरिए ये कंडेंसर रेफ्रिजरेंट को भेजता है। तो रेफ्रिजरेंट का एक मान लीजिए एक लिमिट है कि इतना प्रेशर तक ये स्टोर करेगा। जैसे कि हमने आपको आपका एक डिजाइन प्रेशर दिखाया कि कितना होना चाहिए R134A का, तो उस हिसाब से उतना तक ही इसको प्रेशर को ये ऑब्जर्व करेगा। लेकिन अगर उससे ज्यादा अगर प्रेशर बढ़ने लगता है, ज्यादा प्रेशर होने लगता है, तो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में क्या होता है कि ये प्रेशर जो है बैक होने लगता है, रिटर्न होने लगता है, वापिस जो है कंप्रेसर को ऑन जाने लगता है। तो उस टाइम जो है ना बहुत ज्यादा आपको ज्यादा तेज साउंड सुनने को मिलेगा और अनएडवांटेज साउंड जो है ना जो आपको लगेगा कुछ खराब हो गया, इस तरह का आपको साउंड सुनने को आएगा, ठीक है। और खास करके आप जब सेंट्रीफ्यूगल चेयर के पास काम कर रहे हैं तो आपको एयर प्लग होना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत ज्यादा साउंड उसका आता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है कंप्रेसर में रिटर्न आने लगता है ये प्रेशर। लेकिन ये डिस्चार्ज प्रेशर हाई कब होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बारे में, तो ये हमारा जो वाटर कूल कंडेंसर है, तो जब पानी का टेम्परेचर अगर हमारा बढ़ जाता है, ठीक है ना, जो इसमें जो पानी आ रहा है कूलिंग टावर में उसका टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है तो ये कंडेंसर में आएगा। तो कंडेंसर में क्या होता है, रेफ्रिजरेंट वहां पे कंडेंस होता है, जो वेपर रेफ्रिजरेंट जो हमारा कंडेंसर में आ रहा है तो इसका क्या काम है कंडेंसर का, कि वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट करना। जब हमारा जब कंडेंसर जो है कंडेंस अच्छा से नहीं कर पाएगा रेफ्रिजरेंट को, तब हमारा जो है डिस्चार्ज प्रेशर हाई हो जाएगा, क्योंकि वेपर का जो है एरिया ज्यादा होता है। तो वाटर कूल कंडेंसर का जो है कंडेंस करने का, रेफ्रिजरेंट को कंडेंस किस माध्यम से करता है, इसका वाटर के जरिए ही हमारा, जब एयर कूल्ड चिलर रहेगा तो हमारा क्या होता है कि उसका जो है कंडेंसिंग मीडियम एयर होता है, जो फैन लगा रहता है वो एयर से मिक्स होकर, एयर जो संपर्क में आता है रेफ्रिजरेंट उससे जो है कंडेंस होता है रेफ्रिजरेंट, ठीक है ना, वेपर से लिक्विड बदलता है। लेकिन वाटर कूल्ड में क्या होता है, ये अपना ही बिल्डिंग के अंदर लगा रहता है, तो वाटर कूल्ड में क्या होता है कि कूलिंग टावर से जो पानी आता है तो ये रेफ्रिजरेंट के संपर्क में लाया जाता है और रेफ्रिजरेंट उसका हीट को एब्जॉर्ब करके, जो पानी जो है रेफ्रिजरेंट का हीट को लेकर के वापिस जो है कूलिंग टावर में चलता है। कूलिंग टावर का प्रोसेस वही है कि कूलिंग टावर में ये अपना कंडेंसर का जो रेफ्रिजरेंट का हीट लेकर के कूलिंग टावर में जाता है, फिर यहाँ पर देखिए फैन लगा हुआ है, मोटर है, ये इंड्यूस्ड ड्राफ्ट, ये इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर है, ठीक है ना, फर्स्ट ड्राफ्ट इंड्यूस्ड ड्राफ्ट मैकेनिकल में आते हैं, इनका भी एक अलग वीडियो है इसका बनाए हुए हैं। तो जैसे ही आपका जो है फिर ये वापस आता है, स्प्रे होता है, पूरा सम्पार्टर में पानी जमा होता है, फिर ये चिल्ड होकर के पानी वापस हमारा कंडेंसर में आता है, ये कंडेंसर वाटर पंप है, CWP कंडेंसर वाटर पंप हमारा ये है, कंडेंसर वाटर पंप इसको भेजता है, फिर वापस ये सर्कुलेट इसी हिसाब से होने लगता है। कंडेंसर वाटर साइकिल यही है, आपको कंडेंसर वाटर साइकिल बनाने को बोला जाए तो आपको ये बना देना है, बस ये प्रोसेस यहां से लेके यहां तक आप बना दें वो कंडेंसर वाटर साइकिल हो गया। तो अभी क्या है कि अगर मोटर का अगर कुछ खराब हो जाता है, मोटर का स्पीड स्लो हो जाता है या यहां पर स्टेनर रहता है, तो स्टेनर अगर जाम हो जाएगा उस सिचुएशन में भी हमारा जो है प्रेशर ड्रॉप मिलेगा, तो ये क्या है इसका डिस्चार्ज प्रेशर हाई जाएगा। कूलिंग टावर का फैन अगर रोटेशन चेंज हो गया मान लो, उस टाइम भी हमारा जो है पानी जो है अपना ठंडा नहीं हो पाएगा, तो उस टाइम भी हमारा इसका डिस्चार्ज प्रेशर हाई जाएगा। तो ये सम रीजंस हैं कुछ। अब इसके अंदर मान लीजिए कंडेंसर के अंदर क्या है, अगर ज्यादा स्केल भी आ जाता है तब भी क्या कहते हैं हमारा डिस्चार्ज प्रेशर हाई जाएगा। तो उस टाइम तो आपको अप्रोच भी मालूम चलेगा, कंडेंसर का अप्रोच कितना जा रहा है, इस पे भी एक वीडियो है, रेंज एंड अप्रोच एंड इवेपोरेटर अप्रोच को सब कैसे निकाला जाता है। तो जब इसका मतलब कहने का रीजन है कि जब डिस्चार्ज प्रेशर हमारा हाई हो जाता है तो उस सिचुएशन में हमारा चिलर जो है सर्ज करने लगता है। तो सर्ज करने से क्या होता है कि अब एक फ्लो क्या कहते हैं कंप्रेसर का इस साइड कंडेंसर की ओर आ रहा है, अगर वही फिर वापस अगर कंप्रेसर की वजह से जान लगे तो उसका जो इंपेलर होता है उसको बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। तो ऐसा ही बार बार अगर हमारा होता रहा बराबर सिस्टम में तो हमारा कंप्रेसर भी खराब हो सकता है, उसका इंपेलर भी टूट सकता है, समझ गए ना, मैकेनिकल डिवाइस पर बहुत सारा इफेक्ट आता है। तो सर्जिंग होना सही नहीं है,
तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या होता है कि अगर कूलिंग टावर फैन देखिए, अगर दो चल रहा है, अगर तीसरा भी अवेलेबल है तो आप तीसरा कूलिंग टावर फैन को चालू करें, तो क्या है पानी का टेम्परेचर डाउन होएगा, तो फिर हमारा वो सर्जिंग खत्म हो जाएगा। तो सर्जिंग क्या है, कब तक होता है ये सर्जिंग, जैसे कि अगर मान लीजिए इसका जो ऑपरेटिंग प्रेशर 800-900 मान लीजिए केपीए चाहिए, तो जब उतना प्रेशर जब आ जाता है वापिस से तो फिर वो सर्जिंग हमारा बंद हो जाता है, लेकिन जब तक वो नहीं आता है तब तक हमारा कंप्रेसर जो है सर्ज होते रहता है। तो यही चीज था हमारा आज का कि सर्ज क्या है, इसके बारे में मेन मकसद मेरा बताना यही था कि सर्जिंग क्या है। तो कुछ फंक्शन आपको हम कंडेंसर का भी बता दिए, आई होप कि आपको सर्ज से रिलेटेड आपको समझ में आ गया होगा कि सर्ज क्या है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। अब आपको जिस टॉपिक पे चाहिए वीडियो, आप जिस टॉपिक पे देखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं, तो आप उस टॉपिक के बारे में आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, तो हम उस पर बनाने का कोशिश करेंगे।